नमस्कार साथियों, राम राम। जब ने देश की एक बेटी ने यूपी इलेक्शन पे काबा पार्ट वन, काबा पार्ट टू और काबा पार्ट थ्री लिखे, उस बेटी की लगभग लगभग बात ना मैं सहमत हूँ। नेहा सिंह राठौड़ ने जो प्रयास दिखाया आम आदमी तक, न्यू कया कि रुकिए और सोच समझ के ना वोट करिए। रोजगार में जीरो सरकार, किसानों के ऊपर डंडे चलाए, गाड़ी तक चलवाई सरकार जीरो। सरकार ने सिर्फ बांटना चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात धर्म भेष में, ना कदे विकास का नाम करया, ना काम का काम करया, ना प्रयास का काम करया, काम करया तो आराम का काम करया। और आज जब सवाल उठने लगे पूरे देश की मीडिया और पूरे देश का जो संगीत है वो पैसे दे करके अपनी तरफ कर लिया। बहुत सारे लोगों ने इसको ऊपर लिखा भी, लेकिन मैं नेहा सिंह राठौड़ ने सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, लिख दी जाइए, बोल दी जाइए, देश की सारी जनता आपके साथ खड़ी है। दो आदमियों के खिलाफ करने तक कुछ नहीं होता। हमें पता है आपके ऊपर बहुत सारी बातें उठेंगी, बहुत सारी बातें बनाई जाएंगी, लेकिन अपनी कलम को कभी भी रोकना मत, लिखते जाना, क्योंकि कलम में वो ताकत है जो ताकत मेरे ख्याल से आज किसी भी चीज में नहीं है। कलम सत्ता गिरा सकती है और कलम ही सत्ता उठा सकती है। आपका ईमान जिंदा है तो आप इस देश की खातिर कुछ कर रही है, लिख रही है और आप एक जनकवि। जय हिंद।